नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पूनम कोल और आप देख रहे हो कानून की जानकारी। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूं वो है रिगार्डिंग चेक बाउंसिंग। जब भी आपको कोई चेक देता है और आप वो चेक जो है वो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, और उसके बाद आपको बैंक से ये पता चलता है कि वो चेक बाउंस हो गई है, तो उसके बाद कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप चेक जो बाउंस हुई है उसका केस फाइल कर सकते हो कोर्ट में। तो आज का टॉपिक यही है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग द चेक बाउंसिंग केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले पहली बात यह कि अगर आपको कोई चेक देता है, आप बैंक जाते हो, बैंक में उसे डिपॉजिट करते हो, और डिपॉजिट करने के बाद आपको पता चलता है कि वो बैंक जो ये है आपका चेक है वो बाउंस हो गया है, वो आपको रिटर्न में देते हैं, एक मीमो देते हैं जिसमें लिखा होता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ बाउंसिंग द चेक, चाहे वो इनसफिशिएंट फंड हो, चाहे वो उसने पेमेंट स्टॉपेज किया हो, जो भी रीजन होगा वो आपको लिखित में देते हैं। और जब आपको ये मीमो मिलता है, मतलब मीमो में एक डेट भी होता है, और उस डेट से वो इम्पॉर्टेंट डेट होता है, उस डेट से आपको काउंट करना है 30 डेज। जो मीमो में डेट लिखा है उस डेट से 30 डेज आपको काउंट करना है, और विद इन दैट 30 डेज यू हैव टू गिव लीगल नोटिस टू दैट पर्सन, यानी 30 दिन। यहाँ आपको मीमो जो मीमो ऑफ बैंक मीमो देता है, वहाँ जो भी डेट लिखा होता है वहाँ से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको उस पार्टी को जिसने आपको चेक दिया है उसको लीगल नोटिस देना होता है। और उसके बाद लीगल नोटिस जब आप देते हो, सर्व करते हो उसे थ्रू आप स्पीड पोस्ट से करते हो, और आप उसके व्हाट्सएप पर करते हो, मेल पर करते हो, और जब आपको रिसीट मिलता है वहाँ से, आपको जो स्पीड पोस्ट करते हो तो आपको रिसीट मिलता है, तो फिर उसके बाद आपको उसका ट्रैकिंग देखना है, ट्रैकिंग रिपोर्ट देखना है कि क्या वो डिलीवर हुआ। और जिस दिन वो डिलीवर हुआ, जिस दिन लीगल नोटिस उस आदमी के घर पर डिलीवर हुआ, आपको उस डेट से लेकर 15 दिन तक आपको वेट करना है। दैट इज अ वेटिंग पीरियड। कहीं वो सेटलमेंट ना करे, कहीं वो आपको कॉल करके ये कहे कि आई एम रेडी फॉर द सेटलमेंट, या कहीं कोई और गुंजाइश ना निकले आप दो पार्टीज के बीच में, तो दैट इज व्हाई यू हैव टू वेट फॉर 15 डेज। और अगर उसने 15 डेज तक भी कुछ भी नहीं किया और उसके बाद आपको और 30 दिन मिलते हैं, आप अपना जो केस है वो कोर्ट में फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज। तो फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन ही आपको, जिस तरह से मैंने आपको कैलकुलेशन कहा फॉर लीगल नोटिस, यू हैव टू काउंट द डेट फ्रॉम द मीमो, जो बैंक में मीमो मिलता है 30 डेज, विद इन 30 डेज यू हैव टू गिव दिस लीगल नोटिस टू द पार्टी, एंड आफ्टर दैट जब भी वो डिलीवरी होती है उसकी लीगल नोटिस की, फ्रॉम दैट डे यू हैव टू वेट फॉर 15 डेज, एंड आफ्टर दैट यू हैव अगेन 30 डेज टू फाइल द केस इन द कोर्ट। और जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हो तो फर्स्ट हियरिंग में जज साहब यही चीज देखती है, वो यही देखते हैं कि क्या आपने विद इन 30 डेज लीगल नोटिस सर्व किया था। आपको ये दिखाना है कि मैंने ये मीमो ऑफ पार्टीज है, आपको ये दिखाना है ये मीमो ऑफ जो है बैंक से आया है मीमो, और इसमें लिखा हुआ है कि ये बाउंस हो गया है, रीजन उसमें लिखा है, ये आपको कोर्ट में दिखाना है। और उसके बाद दिखाना है आपको जो भी मीमो में डेट था वहां से लेकर विद इन 30 डेज हमने लीगल नोटिस दे दिया है अपोजिट पार्टी को, और उसके बाद आपको ट्रैकिंग रिपोर्ट का वो दिखाना है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, वो दिखाना है कि ये डिलीवर हो चुका है इस एड्रेस पर, और उसके बाद 15 दिन भी हमने वेट किया है, कोई रिस्पॉन्ड वहाँ से नहीं आया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर केस विद इन 30 डेज हमने केस किया, ये विद इन लिमिटेशन है, जो हमारा केस है वो विद इन लिमिटेशन है। अब कुछ बातें हैं, जैसे कि कोई बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे भी ये कहते हैं क्या लीगल नोटिस देना ज़रूरी है, तो उसका ये जवाब है कि यस, इन सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू गिव द लीगल नोटिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मैंडेटरी टू गिव द लीगल नोटिस। और ये भी मैंडेटरी है कि 30 जब आपका मीमो का डेट है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, 30 डेज आपको काउंट करने हैं, एक एक दिन आपको कोर्ट देखेगी कि एक एक दिन को काउंट करेगी वहाँ कोर्ट।
और अब दूसरी बात, ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने जैसे कोई चेक लेकर मेरे पास आया और उसने मीमो का डेट देखा ही नहीं कि क्या लिखा है डेट। वो ये कह रहे थे हमने तो अभी कल ही बैंक से ये लाया और हमें चेक बाउंसिंग का केस करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर इसको समझिए, आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, और उसके बाद आप बैंक गए ही नहीं। बैंक वालों ने मीमो भी बनाकर रखा है कि बाउंस हो गया इनसफिशिएंट फंड की वजह से या स्टॉपेज पेमेंट की वजह से, या व्हाट एवर द रीजन में भी उन्होंने वो बनाकर भी रखा है, लेकिन आप बैंक जाते नहीं हो। आप 10-15 दिन के बाद बैंक जाते हो और उन्हें कहते हो कि क्या हुआ था मेरी चेक का, तो वो आपको मीमो देते हैं। और जब आप जाते हो मीमो देते हो, मीमो लेते हो बैंक से, उसके बाद आप वकील साहब के पास आते हो तो उसमें ऑलरेडी टाइम गया होता है। तो ये नहीं है कि जब आप बैंक जाओगे मीमो कलेक्ट करने के लिए, वो नहीं, जब मीमो का डेट देखना है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि मीमो में डेट क्या लिखा हुआ है। और इसी तरह से जो आप उनको देते हो, स्पीड पोस्ट कर रहे हो, इसका लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट कर रहे हो, और फिर आपको ये भी ट्रैकिंग भी आपको ही करना है कि क्या उनको डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। कभी कभी डिलीवर नहीं होता है तो वो रिपोर्ट भी आपको लेनी है कि डिलीवर नहीं हुआ, वो भी आपको कोर्ट को दिखाना कि हमने इस तारीख को डिलीवर किया था, वो हुआ नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते कि चेक को डिपॉजिट, आपको जैसे पता है कि चेक को विद इन 3 मंथ्स डिपॉजिट करना होता है। अब 3 मंथ्स के बाद आप भूल गए कि लीगल नोटिस देना या ये सारी चीजें, क्योंकि अक्सर लोगों के पास, जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, अक्सर भूल ही जाते हैं कि भाई लीगल नोटिस देना है या उसके बाद कोई कार्रवाई करनी है। तो आप याद रखिए 3 मंथ में आप जो भी आपका चेक का वो डेट है, 3 मंथ्स में अगर आपने पहली बार रिप्रेजेंट किया और वो चेक बाउंस हो गई और उसके बाद आपने कुछ किया ही नहीं, तो अपने आप को सेव करने के लिए आप उस चेक को एक और बार रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन विद इन दैट पीरियड आप एक बार और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब भी हम फिर उसमें लीगल नोटिस लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने एक बार प्रेजेंट किया था, फिर हमने जो हमारे अपोजिट पार्टी थे उससे बात हुई है, उसने ये कहा कि आप दोबारा से रिप्रेजेंट कर लो, तो फिर हमने इसको दोबारा से रिप्रेजेंट किया। तो ये वर्ड्स जो है वो लिखे जाते हैं। तो आप ये समझ लिए लीजिए कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद, ये टॉपिक लेने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं चेक लेकर, लेकिन वो टाइम बार्ड होते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि अब हम क्या करें। तब उनको रिकवरी में जाना पड़ता है, रिकवरी में आपको फिर स्टैम्प ड्यूटी, जो उसका कोर्ट फीस है, सॉरी, कोर्ट फीस देना पड़ता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, जब भी आपका चेक बाउंस होता है को इससे बैंक से, जब भी आपको मीमो मिलता है, तो उस डेट से ही आप अपना जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट कर दीजिए, लीगल नोटिस दे दीजिए। लीगल नोटिस के बाद आप 30 डेज लीगल नोटिस का, 15 डेज आपका जो डिलीवरी होता है उसके बाद 15 डेज वेटिंग पीरियड है, तो ये आपके 45 डेज बनते हैं। और उसके बाद 30 डेज आपका केस का, जो आपको केस फाइल करना है कोर्ट में, वो होता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, ये सारा प्रोसीजर है, ये जो भी मैंने प्रोसीजर बताया वो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। इसमें आप एक भी जो स्टेप है वो स्किप नहीं कर सकते हो, आपको सारे स्टेप्स करने ही करने पड़ेंगे, तभी आपका केस कोर्ट में चलेगा। लेकिन अब मैं आपको इसमें एक और बात बताऊंगी कि जैसे कि अब आपने जो लीगल नोटिस है वो सर्व कर दिया, उसके बाद आपने 15 दिन का वेटिंग पीरियड भी सर्व किया, लेकिन उसके किसी कारणवश आप कोर्ट में केस प्रेजेंट नहीं कर पाए विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो उसके लिए आपको एक डिले, जो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी है। लेकिन जब भी आप वो कंडोनेशन ऑफ एप्लीकेशन की डिले की एप्लीकेशन लगाओगे, उसमें आपको पूरा पूरा एक एक दिन का हिसाब देना है कि भाई आपने इतना डिले क्यों हुआ है कोर्ट में आने का, जो आपको कोर्ट में आना था इस डेट पर आना था, तो आपको डिले क्यों हुआ, तो वो सफिशियंट रीजन आपको वहां पर देना है। इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद योर रीजन, वट एवर यू द रीजन यू हैव गिवन इन दैट एप्लीकेशन एंड वट एवर योर आर्ग्यूमेंट ऑन दैट एप्लीकेशन इन बिफोर द कोर्ट इज, अगर वो सेटिस्फाई है उससे, तो फिर वो आपका जो पीरियड है वो कंडोन कर सकती है। वैसे करती है कंडोन, लेकिन जो ग्राउंड होने चाहिए आपके वो सफिशिएंट होने चाहिए। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो केस डिसमिस भी कर सकती है। तो
तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और आप चेक बाउंसिंग के केस में कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे और जब भी आप चेक डिपॉजिट करेंगे उसके तुरंत के बाद ही आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो आशा है आपको मेरा ये जो आज का टॉपिक है सही लगा, आपके हेल्पफुल होगा ये टॉपिक, और नए टॉपिक के साथ दोबारा से आपके पास आ जाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।